ये तस्वीरें देखकर आप हैरान होंगे। देश का एक नेता अपनी जनता से अपील करे और वो सड़कों पर उतर आए, ये बहुत कम होता है। इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी है लेकिन बहुत विरली। लेकिन कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराया करता है, और कल यानी कि 22 मार्च को हुआ वही। कहा जा रहा था देश CAA और NRC के आने के बाद से मोदी के खिलाफ हो गया है। मोदी विरोधियों ने भरपूर कोशिश की कि जनता कर्फ्यू सफल ना हो। उन्होंने ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काया कि कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही बाहर निकलिए और इस कर्फ्यू को तोड़ दीजिए। हैरानी की बात तो ये थी कि अपील करने वालों में कई चैनलों के पुराने संपादक भी थे जो आजकल बेरोजगार है, लेकिन उनकी एक न चली, जनता कर्फ्यू सफल रहा। जनता ने शाम 5 बजे तक घर की खिड़की से भी नहीं झांका, और जब 5 बजे तो पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि पीएम मोदी की एक बात का कितना वजन है। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी घंटी लेकर छत पर था। बॉलीवुड के लगभग सारे सितारे, उनको छोड़कर जो मोदी विरोध में अंधे हैं, बिना लाज हाथों में थाली, चम्मच, घंटे, शंख, ड्रम, बेलन, पतीला, जो मिला सब लेकर अभिवादन करने के लिए बालकनी से लेकर छतों पर उमड़ पड़े। महानायक ने 5 मिनट तक ताली बजाकर बता दिया कि मोदी की एक अपील का मतलब क्या होता है। कोई कॉलोनी नहीं छूटी, कोई टावर अनछुना नहीं रहा, कोई गली सुनी नहीं थी। 5 बजे से 5:15 बजे तक एक मधुर आवाज भारत के शहर दर शहर सुनाई आ रही थी। देश के प्रधान की मां भी इस काम में लगी थी, और इस नजारे को देखकर किसके आंखों में आंसू नहीं आते। लोग भावुक हो गए। कमाल की बात तो ये रही कि कुछ पीएम मोदी के विरोधी भी उनकी अपील पर बाहर निकले और उन आलोचकों और बेवजह विरोध करने वालों को जवाब दे गए कि सियासत हर मौके पर अच्छी नहीं होती। 5 बजे के इस नजारे ने देश के मुखिया को आश्वस्त कर दिया कि जनता इस महामारी से लड़ने के लिए उनके साथ है, और वे जो कहेंगे करने के लिए तैयार है। जनता के इस समर्पण ने मोदी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा भी जड़ा है, और उनको संदेश दे दिया है कि कितनी भी अफवाहें फैला लो, देश मोदी के साथ है और वो कोरोना को हरा कर रहेगा। VK News की रिपोर्ट।